दोस्तों मुझे ऐसे दोस्त ने कमेंट किया कि भाई साहब हम कैसे दिन के बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, महीने के 60-65 हज़ार, यानी दिन के आप 3,000-4,000 रुपये आप कैसे कमाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ, हमेशा आगे चल के इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाली है और आप भी दिन के आराम से 4,000 से 5,000 रुपये कमा सकते हैं। और बहुत ही ईजी तरीका है कैसे आपको कमाना है, कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब आप आसानी से ये 4,000 कमा पाएंगे एक दिन के। कैसे कमाना है आज के हम स्टूडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो को स्टार्टिंग करने से पहले कुछ जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग क्या करते हैं, हमारे वीडियोस देख लेते हैं बट आगे चल के उनको लॉस होता है, नुकसान होता है, ऐसे में उनको ज्ञान नहीं होता है कि आप बिजनेस को और आगे कैसे बढ़ाएं। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो और ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें इसके साथ में बिजनेस को और डेवलप करने के तरीके देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आने वाले वीडियोस भी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्पेशल होंगे आप सभी साथियों के लिए। तो यार प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल फ्री है। चलो बताता हूँ आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ऐसा एक बिजनेस आइडिया जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है और आगे चल के इसका बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहने वाली है और आप महीने के आराम से 60-65 हज़ार रुपये कमाना शुरू कर सकते हैं। ये बिजनेस आइडिया कौन सा है, कैसे आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, कितना इसमें आपको पैसा लगाना पड़ेगा और कहाँ पर लगाए, कौन से एरिया में लगाना चाहिए, ये सारी आइडिया सारी चीज़ें मैं आपको बारीक बारीक करके बताऊँगा। इसके साथ में आप बिजनेस आप स्टार्टअप करेंगे तब उसके बाद में कितनी क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे जो अप डाउन होता है, कैसे मार्केट डाउन होता है, कैसे ऊपर होता है, ये सारी मैं फॉर्मेलिटी आज की हम स्टूडियो में दूंगा क्योंकि मैं खुद एक दुकानदार हूँ। खुद मैं भी ये जो इतनी आराम से महीने की ये जो 60-65 हज़ार रुपये आराम से मैं महीने के कमा रहा हूँ और दिन के मैं आराम से 4-5 हज़ार रुपये मैं खुद कमा रहा हूँ, तो ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मेरे खुद की पर्सनली मैं आराम से 2 या 3 दुकानें हैं और एक अभी ओपनिंग होने वाली है, 2 दुकानें तो कंफर्म है मेरे की, 2 दुकानें हैं ये, इसके साथ में तीसरी का एक ओपनिंग होने वाला है। तो आराम से मैं कह सकता हूँ कि पैसा मैं 3,000-4,000-5,000 रुपये आराम से इजीली तरीके से और फ्री कॉस्ट, मैं उसमें कोई ज़्यादा जो अपनी भागदौड़ नहीं करता हूँ, उसमें एफर्ट नहीं लगाता हूँ, फ्री में आराम से मेरे को 3,000-4,000 रुपये का एक दिन का प्रॉफिट हो जाता है, नेट बता रहा हूँ। तो आप लोगों को कैसे कमाना है आज के हम स्टूडियो में बताएंगे आपको, तो स्टूडियो को पूरा देखना है और अपने जो भी दोस्त हैं जो ऐसे लोग जिनके पास में कोई रोज़गार नहीं है, बेरोजगार हैं, वो आज काम ढूंढ रहे हैं, कल काम ढूंढ रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा रोज़गार, उनके साथ शेयर करता हूँ, हो सकता है कि उन दोस्तों को आइडिया ये अच्छा लग जाए और वो भी एक स्टार्टअप कर सके। दोस्तों मेरा नाम दिनदेर है, राजस्थान के छोटे से राजस्थान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। आज मेरे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया कि सर हम कैसे हम एक महीने के 60-65 हज़ार 90 हज़ार रुपये कमाएँ और दिन के कहीं ना कहीं हम 3,000-4,000 रुपये कैसे कमाएं, ये हमें आपको बताओ, एक्सप्लेन को कैसा एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताओ जो हम उसमें आराम से महीने के 60-65 हज़ार 90 हज़ार रुपये कमाएं और दिन के 4,000 कमाएं। तो उन सभी दोस्तों को कहना चाहूँगा कि आगे आया वो वीडियो, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि 3 से 4 हज़ार रुपये आप एक दिन में कैसे कमाएंगे, आज की हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो बस जो भी चीज़ें बताई हैं इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो दोस्तों अभी ये जो क्या चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिमांड और हर एक टाइम एक सेकंड आदमी उससे दूर नहीं हो सकता है, एक सेकंड जो एक मिनट या एक घंटा भी आदमी उस चीज़ से दूर नहीं हो सकता है। एक्चुअल में गाइस हमारा मोबाइल है बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग मार्केट में जो अपने फ़ोन के बिना कुछ भी नहीं कर पाते हैं, सच में बता रहा हूँ, चाहे वो दुकानदार हो, रिटेलर हो, होलसेलर हो या अपने कोई भी दोस्त जो कमा रहा हो, अर्निंग कर रहा हो, जॉब कर रहा हो, ऐसे बिजनेस की बात कर रहा हूँ जो कमा रहा हो दिन का, तो ऐसे में उसके फ़ोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में क्या है, जो फ़ोन उसका ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वो क्या रिपेयर नहीं करवाएगा, सही में वो रिपेयर करवाएगा और बहुत ही जल्दी जल्दी कोशिश करेगा वो जल्दी जल्दी रिपेयर करने की। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बताना चाहूँगा, आप मोबाइल एसेसरीज इसके साथ में मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख सकते हैं। इसमें आपको कुछ टाइम तो लगेगा लेकिन इसमें अर्निंग बहुत अच्छी खासी है, आप महीने के कहीं ना कहीं आप 40-45 और 90 हज़ार के बीच में रहने वाले हैं, एक महीने के बता रहा हूँ। ये बिज़नेस बहुत शानदार है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जैसे आपके पैसे हैं उसके हिसाब से आपको चलना चाहिए, जितना आपको बजट है उसके हिसाब से आपको बढ़ना चाहिए। देखो शुरुआत में आपको मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना है, इसके बाद में जैसे जैसे आपका काम बढ़ने लगे तब आप और भी अच्छे अच्छे आइटम, इसके साथ में अच्छे अच्छे मोबाइल, अलग अलग कंपनी के मोबाइल भी आप रख सकते हैं और अपना बिजनेस और भी आगे बढ़ा सकते हैं। ये बिज़नेस बहुत अच्छा खासा है, कम पैसों के साथ शुरू हो जाएगा, ये मोबाइल रिपेयरिंग का काम आराम से शुरू हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता नहीं है। आप शुरुआत एक बार करो, आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी आगे आने वाले टाइम में आपको कुछ चीज़ें नॉलेज होगी, आपको एक्सपीरियंस गेन होगा, उसके बाद में आपका बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगी तो उन प्रॉब्लम को भरपाई करते जाएंगे, उन प्रॉब्लम को आप फाइट करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे
और आगे चल के ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो उससे कैसे लड़ना है, कैसे उसको आगे बढ़ना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, ये सब आपको आइडिया हो जाएगा। आप इस चीज़ को डिसीजन ले लिया आपने कि मेरे को दुकान खोलनी है, मुझे मोबाइल की दुकान खोलनी है, ये एक फिक्स आपने डिसाइड कर दिया, तो मैं कह सकता हूँ कि आप परफेक्ट तरीके से एक बिजनेस में बन जाओगे, दुकानदार बन जाओगे, बहुत अच्छी कमाई करने लग जाओगे। मैं आपको एक नॉर्मल एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। भाई साहब, हम कोई भी जो काम करते हैं ना, 100% उसमें मेहनत लगा देते हैं तो 100% वो काम हमारा हो जाता है। और यदि आप सोचोगे यार मेरा उसमें नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो 100% उसमें काम आपका नहीं होगा, बिल्कुल फेल होने वाले आप। ऐसे कभी सोच मत रखो, मेरे को होना है, होना है, और ये बिजनेस स्टार्टअप करना है, मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना, जो भी आने वाला है, जो भी करना है मेरे को करना पड़ेगा, लेकिन ये बिजनेस मुझे करना है, ऐसा आपने डिसाइड कर दिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कुछ ही दिनों के अंदर आप महीने के आराम से 60-65 हज़ार 90 हज़ार को कमाने लग जाओगे। अब दोस्तों, ये रिपेयरिंग का काम आप कहाँ पे सीख सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, हमारे मार्केट में बहुत सी बड़ी बड़ी होलसेल दुकानें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो मोबाइल की शॉपें होती हैं, वहाँ पे जो वर्कर की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में आप वहाँ पे रह सकते हैं। आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसा लेना नहीं है, जो भी ओनर होता है जो दुकान का है वहाँ का है, तो ऐसे में जो उसको बोलना कि मेरे को सर कोई पैसा नहीं चाहिए, आपसे एक पैसा तक नहीं चाहिए। बहुत से लोग करते हैं जो उनको पैसा भी देता है, बट अपने को नहीं चाहिए। आपको काम सीखना है, काम सीखने पे एफर्ट लगाना है, चाहे 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, 1 साल लगे, लेकिन 1 साल के बाद में जो आप कमाने लगोगे वो पूरे 10 साल आगे निकल जाओगे, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बहुत अच्छा इसमें आने वाला टाइम भी बहुत अच्छा है, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, इसके साथ में आपकी कमाई बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। ये बिजनेस बहुत शानदार है, इसमें बहुत अच्छी खासी कमाई है। इस बिजनेस को स्टार्टअप करें आप, मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा है। और एक और चीज़, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि इस बिजनेस को हम कहाँ करें, तो देखो दोस्तों यार, आप अपने शहर में कर सकते हो, अपने गांव में कर सकते हो, ऐसे चौराहे पर कर सकते हो जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिमांड है इस चीज़ की। अपने ये नॉर्मली एक एग्जांपल बता दूँ यार, हमारे चौराहे पर 10 किलोमीटर दूर वहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग के बंदे मिलते हैं। 10 किलोमीटर दूर आदमी क्यों जाएगा जब आपके काम में अपने अपने शहर में ही बंदे रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो क्यों जाएगा वहाँ पर? तो यही चीज़ आपको अपने गाँव में अपने एरिया को कवर करना है, ऐसी जगह लगाना है जहाँ पे पब्लिक बहुत ही ज़्यादा आने लगे, आपका काम ज़्यादा आने लगे, तो ऐसे में वहाँ आप अपने जड़ को जमा देना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक बिजनेस को स्टार्टअप कर देते हैं, उसके बाद में किराए पर रहते हैं, किराए पे वो कंटिन्यू रहते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसके बाद में वो जो जो किराएदार होता है, ओनर होता है, वो निकाल देता है उनको, और वो खुद का अपना स्टार्टअप कर देता है। तो ऐसे में क्या है कि आपको उसका नुकसान होता है, आपका भी नुकसान होगा, उस पार्टी का भी नुकसान होता है। ऐसे में आपको नहीं करना है, जो भी आप एग्रीमेंट करो वो कम से कम आपको 10 से 15 साल का एग्रीमेंट रखना है कि गारंटी पे ही 10 साल 15 साल मैं आराम से इसमें रहने वाला हूँ, आप मेरे को एग्रीमेंट बना के दो, ओनर जो भी होगा वो आराम से बना देगा। तो आप 10 15 साल में तो इतनी भी कमाई कर दोगे कि आप उस दुकान को खरीद सको, बस ये मैं आपको कहना चाहूँगा। दोस्तों देखो, बहुत से जो अपने किराएदार होते हैं जो 11 महीने 1 साल का एग्रीमेंट बनाते हैं, ऐसे में जो जो आम जो नो काम करने वाले लोग होते हैं, जो जॉब करते हैं, जॉब के साथ में वो पैसा इकट्ठा करके ऐसे धंधे में डालते हैं, और वो 11 महीने बाद उनको निकाल देते हैं भाई कि यार मेरे यहाँ से मत करो, या यहाँ से निकल जाओ आप, तो ऐसे में यार आप लोग भी परेशान होते हो, और आप जो आपने इतनी मेहनत की 1 साल अपने आप इस बिजनेस में लगाया, वो सब आपका मेहनत बेकार में चली जाती है। तो यार जो भी आप एग्रीमेंट करो, कम से कम आपको 10 से 15 साल का रखना, आपको कोई हिलाने वाला नहीं है, आप 100% इसमें प्रॉफिट कमा के निकलने वाले हो। ये बिजनेस आइडिया बहुत शानदार है, और भी अच्छी चीज़ जानकारी, अच्छे अच्छे आइडियाज, अच्छी अच्छी जानकारी के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर चल रहा है, मेरे से कोई भी हेल्प होगी तो आप ज़रूर करूँगा, आप इस नंबर पर मेरे को ज़रूर मैसेज करें। आई होप कि छोटी सी वीडियो मेरी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप सपोर्ट करें इस वीडियो को, अपने जो भी फैमिली मेंबर हैं दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ में, नए किसी बिजनेस आइडिया के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।